हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश आइज पे आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ आपको प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस के तीन काइंड के बारे में पढ़ा है, तो आज उसका हम पार्ट फोर पढ़ेंगे। चौथा काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे, कि कोई वाक्य कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने स्लाइड लगा रखा है कि प्रेजेंट टेंस और उसके चौथे काइंड के बारे में पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और जो लोग हमारे चैनल पे आज नए आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ये चौथा पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के तीनों पार्ट्स का लिंक दे रखा है, आप वहां से उसको ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम डायरेक्ट बात करेंगे पहचान के लिए, ठीक है ना। किसी वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में आएगा इसमें ता रहा है, ता रहा है जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड ही आएगा। तो ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूं, और यहां आदि लिख देते हैं, ओके। ता रहा हूं तो ती रही हूं भी हो सकता है, यानी इससे रिलेटेड अगर आता है तो हम कहेंगे कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ठीक है ना। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल जैसे राम पढ़ता रहा है, राम पढ़ता रहा है। दूसरी चीज यहां पे समझने वाली क्या बात है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से वाक्य जो आएगा हमारा ट्रांसलेशन बनाने के लिए, जो वाक्य हम इस्तेमाल करेंगे वो समय के साथ भी आएगा, कुछ समय को बताएगा। तो वहां रहा है आएगा, अगर रहा है रही के रूप में आता है तो साथ में वो समय को लेके आएगा, ठीक है ना। जैसे सीता दो वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रही है। यहां देखिए, यहां कंफ्यूजन क्या है कि लास्ट में रहा है रही है आ रहा है, ठीक है ना। तो रहा है रही आएगा अगर, तो साथ में क्या लेके आएगा, समय। समय क्या है, दो वर्षों से, ठीक है ना। ये हो गया। तरीका क्या होता है इसका, रूल। तो रूल कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगा देना है, और यहाँ पे एक चीज आता है क्या, बिन। बिन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन और प्लस वी फोर लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी फोर, यानी वर्ब में आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वी फोर यूज करेंगे। उसके बाद यहां एक चीज आएगा क्या, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में यहां पे हमको टाइम लगाना पड़ता है। ये क्या होता है, ये रूल होता है, यानी इस स्ट्रक्चर पर अब हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो हैज हैव आपको हमने बता रखा है कहां लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी यहां कि सिंस और फॉर कहां लगाते हैं ना। तो मैं पहले सिंस और फॉर क्लियर कर देता हूं, फिर हम आगे की बातें करते हैं कि कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम सिंस और फॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंस, ठीक है ना, सिंस, सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है ना। सर्टेन मतलब होता है निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय हमेशा पहचानने का तरीका क्या है कि निश्चित समय जब भी आता है तो वहां सिंग लिखे हैं, मतलब सिंगुलर, वो सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है यहाँ पे हमारा, दूसरा है फॉर। फॉर का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां टाइम अनसर्टेन होगा, यानी अनिश्चित समय होगा, और वो प्लूरल में आएगा, पहचान लेंगे उसको। तो आइए कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे बचपन से, बचपन सबका फिक्स है ना, बचपन एक ही बार आया होगा। 2003 से समय फिक्स हो गया कि 2003 जनवरी से, सोमवार से, सुबह से, तीन सबके साथ सिंस का उपयोग हम करेंगे और फिर इसको लिख देंगे। ये ऐसे सिंस का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फॉर की, फॉर को कहां यूज करेंगे। जैसे देखिए, तीन दिनों से, ठीक है ना, ये समय कोई फिक्स नहीं है कि तीन दिन कब का है, जनवरी का तीन दिन था कि फरवरी वाला है, कोई फिक्स नहीं है।
तो ये अनिश्चित है तीन दिनों से, तो इसके लिए फॉर थ्री डेज यूज कर देंगे हम। एक माह से, पता नहीं कब का एक माह है, फॉर ए मंथ कई दिनों से, फॉर मैनी डेज इसी प्रकार से यहां होगा, ठीक है ना। तो ये सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा ये हम सीखे हैं, ठीक है ना। अब हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को दोबारा लिखेंगे और उस पर ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं, ओके। तो आइए हम इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके आंसर हैज या हैव लगा लेंगे, फिर बीन, फिर बिफोर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का हमने आपको इस्तेमाल बताया है कि कहां क्या करना है। आइए एग्जांपल की सहायता से समझ रहे हैं। सोहन दो घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए सोहन, ठीक है ना। तो सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हैज लगा लीजिए, सोहन हैज हो गया। और रूल कह रहा है कि हैज एम एस से लगाने के बाद बिन लगा लीजिएगा, बिन मैंने लगा लिया तो सोहन हैज बिन बन गया। अब भी फोर यानी क्रिया क्या है, पढ़ने का काम, तो भी फोर कब बनता है, जब वर्ब में हम क्या करेंगे आईएनजी लगा देंगे, तो रीड लिख के आईएनजी जोड़ दिए, रीडिंग हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब सिंस या फॉर डालना है, तो सिंस या फॉर किस आधार पर डालेंगे, समय को देखते हुए, समय कैसा है, तो दो घंटे से, यानी वो दो घंटा कब का है ये नहीं मालूम है, केवल दो घंटा है, तो फॉर का यूज करेंगे आप, ठीक है ना। फॉर यहां टू आवर्स करना पड़ेगा, टू आवर्स बन गया, सोहन हैज बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। उसी प्रकार यहां है दूसरा, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ हैव लिखते हैं और बिन तो लगाना ही लगाना है, बन गया आई हैव बिन दौड़ना, तो रनिंग, रन में रनिंग करेंगे तो डबल एन कर देते हैं। अब यहां क्या है, सुबह से, तो सुबह का समय तो फिक्स है कि सुबह में, तो सिंस यूज कर दीजिए, यहां मैंने लिखा देखिए आई हैव बिन रनिंग सिंस और सुबह का मॉर्निंग, यहां पे वाक्य हो गया हमारा आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। आइए अब इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट और हैज हैव उसके पास जो आ रहा है उसके बाद नॉट लगाएंगे, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल, वह सोमवार से बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है ना, नहीं वाला है। तो आइए सब्जेक्ट इसमें है ही के साथ हैज लगाएंगे, फिर नॉट डाल दीजिए, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन और बाजार जाना है, तो पहले गोइंग करेंगे फिर लगा देंगे क्या, टू मार्केट। अभी बाकी है, अभी यहां तक हमने कंप्लीट किया है, सिंस या फॉर डालना है, यहां पे क्या है सोमवार है यानी फिक्स है सोमवार, तो यहां हम लिख देंगे सिंस और मंडे में एम कैपिटल रहे, बन गया He has not been going to market since Monday. तो आइए अब हम इसके इंटरोगेटिव के बारे में देख लेते हैं। इंटरोगेटिव कहता है कि पहले हैज को बाहर निकाल देना है, बाकी सब सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, क्या हम लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ बचपन है, बचपन सबका फिक्स होता है, ठीक है ना, इसलिए सिंस के यूज करेंगे। तो आइए बनाते हैं, हैव को पहले लिखा हमने, हैव सब्जेक्ट क्या है, वी Have we been speaking English? बचपन फिक्स है तो क्या लगाना था यहाँ पे, सिंस, बचपन क्या हो जाता है क्या, चाइल्डहुड। तो अगर हम देखें तो पूरा वाक्य क्या बना है, Have we been speaking English since childhood? तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो रहा है, उसका हमने अफर्मेटिव बताया आपको, निगेटिव और इंटरोगेटिव बताया।